व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज थोड़ा सा बिजी डे है, इसलिए फटाफट से जिम जाते हैं एंड देन कॉलेज के लिए निकलेंगे। व्हाट्स अप बॉयज, वेलकम टू पुश डे। आज एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है, मैं ट्राइपॉड लाना भूल गया, तो मैं सारे मूवमेंट्स के बारे में अभी से पहले से बता दूंगा, बट रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, सो आई एम गोना ट्राई टू रिकॉर्ड एक एक सेट हर मूवमेंट का। तो पहला मूवमेंट जो है आज का, दैट इज मशीन शोल्डर प्रेस। वी आर गोना डू 3 सेट्स ऑफ 8 to 10 रेप्स, एंड जो फाइनल सेट होगा उसमें हमको थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए ड्रॉप सेट करना है। मैंने पहले भी बात किया, ये प्रोग्राम में हम लोग बहुत सारे इंटेंसिटी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, बिकॉज हमारा फोकस इज़ नॉट मोर ऑन वॉल्यूम बट टू मेक आर सेट्स एज इंटेंस एज पॉसिबल। तो फाइनल सेट में जो ड्रॉप सेट वाला होगा मैं वो रिकॉर्ड करूँगा, पहले 2 सेट कर लेता हूँ एंड देन फाइनल वाला रिकॉर्ड करूँगा। आई एम वेरी सॉरी, बट हाँ आज थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, मैंने कैमरे को ज़मीन पर रखा है, मेरी पानी की बॉटल के अगेंस्ट रखे, तो प्रॉप्स फॉर क्रिएटिविटी मेरे को जानी चाहिए। बता देता हूँ पहले 2 सेट कैसे गए। लास्ट टाइम जब हमने शोल्डर प्रेस ट्रेन किया था तो हमको 20 kgs के साथ 10-10 रेप आ गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं वापस 8 to 10 की रेप रेंज है, तो आई शुड आई लाइक स्पेंड मोर टाइम डूइंग वन मोर सेट विद द सेम वेट सेम रेप्स। तो मैंने 22.5 kg लिया पहले सेट के लिए एंड 7 रेप आए। उसके बाद वाले सेट में हमने 20 kg से थोड़ा ड्रॉप किया एंड हमको 9 रेप आए। एंड फाइनल मूवमेंट, फाइनल सेट में भी हम 20 kg ही रख रहे हैं एंड ये सेट में ड्रॉप सेट करना है, तो होपफुली एक 7 to 8 के रेप रेंज में 20 kg के साथ फेल करेंगे एंड देन 10-10 का प्लेट निकाल के ड्रॉप सेट करेंगे एंड देन वी विल पुश दैट टू फेलियर। सो लेट्स गो। ओके, ड्रॉप सेट टाइम, लेट्स गो। इस पे भी पूरा फेलियर तक पुश करना है। ओके, डन विथ शोल्डर प्रेस। अब लैटरल रेजेस करने हैं, 3 सेट 12 से 15 रेप एंड लास्ट सेट में हम एक इंटेंसिटी टेक्निक यूज़ करेंगे विच इज कॉल्ड मायो रेप्स, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। ओके, फाइनल सेट लैटरल रेजेस का, जैसे मैंने बोला था वी आर गोना डू इंटेंसिटी टेक्निक, इसका नाम है मायो रेप्स। बहुत सिंपल है, मैं 5 kg का डंबल लूँगा, जितने रेप्स हो सकते उतने लगाऊंगा, बट आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम फेलियर आ जाएगा ऑब्वियसली, बट वहाँ पर सेट ख़त्म नहीं करेंगे। What we'll do is, 2-3 सेकंड का ब्रेक लेंगे जिसमें हम अपनी ब्रीदिंग को थोड़ा ऑप्टिमाइज करेंगे एंड वी ट्राई टू गेट 3-4 more reps या 4-5 more reps, ऐसे करते जाएंगे जब तक 3 से ज़्यादा reps ना आए। सिंपल, देख लो एक बार। We'll be right back.
डन विद लैडर रेस, अब हम जाने वाले डिप्स करने के लिए। लेट्स गो। ओके, ट्राइसेप डिप्स 3 sets 8-10 reps, 2 sets में ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैंने लास्ट टाइम के नोट्स ऐप में लिखा था कि हमको 19 kgs के साथ स्टार्ट करना है, एंड आई मैनेज टू गेट 9 reps, इसलिए मैंने दूसरे सेट में भी 19 kg रखा एंड 7 reps आया। बट अब हमारे रेफरेंस से वो नीचे जा रहा है, दैट्स व्हाई मैंने वेट थोड़ा मतलब कम कर दिया बेसिकली, तो थोड़े और रेप्स आएंगे नेक्स्ट के सेट में। एंड ऑल्सो मैं नॉर्मली लाइक नॉर्मल डिप्स मार सकता हूँ, बट इतने स्लो एंड कंट्रोल में नहीं मार पाऊंगा, बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम दैट स्किल्ड येट। तो कभी भी असिस्टेड पुलअप्स, असिस्टेड डिप्स मारने से घबराओ मत, ऐसा मत सोचो कि कोई तुम्हें जज करेगा, नॉट लाइक दैट। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज, अगर आपको अपने मसल ग्रुप्स स्लोली आराम से स्ट्रेच करने एंड कॉन्ट्रैक्ट करना है। एंड ऑल्सो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स भी असिस्टेड पुलअप्स यूज़ करते हैं, यू वॉच सैम सोलक, ही यूजेज द असिस्टेड पुलअप मशीन, एंड बहुत सारे IFBB प्रोस भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज डोंट फील अशेम्ड एंड इसको फाइनल सेट करते हैं। ओके, वो डिप्स हो गए, मेरे को वहाँ से जल्दी से कैमरा हटाना पड़ा था बिकॉज देयर इज सम ज़ुम्बा थिंग गोइंग ऑन, एंड मैंने रास्ते के बीच में अपना कैमरा रखा था बिकॉज ट्राइपॉड नहीं था, सो आई हैड टू डू दैट। बट एनीवेज आई थिंक देयर मैड एट मी अ लिटिल बिट, कोई बात नहीं, चलता है। अब हम चेस्ट फ्लाइज करने जाएंगे। आई मैंने डिप्स मतलब मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट किया था ना, आई यूज टू हेट डिप्स, मतलब मेरे को कभी डिप्स करने का मन नहीं करता था। मे बी तब मेरी लाइक वो फॉर्म खराब थी या क्या थी पता नहीं। अब मेरे को जो लोअर चेस्ट में बर्न फील होता है ना डिप्स करने के बाद, वैसा मेरे को कहीं पे भी फील नहीं होता, सो आई एम एक्चुअली काइंड ऑफ काफ़ी खुश। तो लेट्स गो, चेस्ट फ्लाइज करते हैं, उसके बाद स्कल क्रशेस एंड आज का डे ख़त्म करते हैं। फाइनल सेट फॉर चेस्ट, इस पे हमको एंड में लॉन्ग लेंथ पार्शियल्स करने हैं, तो लेट्स गो। ओके, हाँ हो गया भाई मेरा, डन विद चेस्ट, फाइनल मोमेंट बचा है स्कल क्रशर्स, वो करते जाके फिनिश द डे। ओके, तो लास्ट मोमेंट इज डंबल स्कल क्रशर्स, और मैं ट्राईपॉड भूल गया हूँ इसलिए मैं सिर्फ एक सेट रिकॉर्ड करूँगा। पहले 2 sets में हमने 7.5 kg डंबल्स यूज़ किया था, एंड उसमें लाइक
पहले सेट में 8 रन पाए थे, सेकंड सेट में 7 रन पाए थे. सो नाउ आई एम गोना गो फॉर 7.5 ओनली अगेन एंड देन आई थिंक लाइक क्या बोलते हैं, जब फेलियर हिट हो जाएगा देन आई विल डू अ ड्रॉप सेट. सो लेट्स गो. तो अभी मैं घर आ चुका हूँ एंड पढ़ने बैठने वाले कैट के लिए. सो आज के एजेंडा पे वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ क्वांट सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि कल हमने वीआरसी अच्छा खासा कर लिया था. एंड देन उसके बाद आई थिंक या तो पहले हम करते हैं, पहले वी गोना रीड आवर बुक जो हम काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड द लिटिल बुक ऑफ वैल्यूएशन बाय अश्वथ दामोदरन. फाइनेंस रिलेटेड बुक है, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो देन यू कैन रीड इट. मैं अपना करियर फाइनेंस में बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं खुद को हमेशा अपस्किल करने का ट्राई करता रहता हूँ. सो इसलिए हम वो रीड करने वाले हैं एंड देन उसके बाद क्वांट की पढ़ाई करेंगे. एंड आज उससे ज़्यादा नहीं करते बिकॉज हमको उसके बाद डिनर करने के बाद थोड़ा गाने बैठना है, बिकॉज फेब्रुअरी सेकेंड वीक में गाइस हमारे दो इवेंट हैं जिसमें हमको दो कॉम्पिटिशन है गाने के जिसमें हमको गाना है. सो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी. तो या लेट्स गो एंड सिट टू डू दैट. शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं क्योंकि कल सुबह कॉलेज जल्दी जाना है. तो इसको तेरी नजरों में तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्ज़ों की, धोखे बगैर तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है.
ऑल्सो दिस इज नॉट वन ऑफ द सॉन्ग्स वी आर प्लानिंग टू सिंग, क्योंकि हमको लास्ट टाइम कंपेटिट वो जजेस ने बोला था कि प्लीज़ सैड सॉन्ग्स मत गाओ, तो हम बोले ठीक है, बट प्रैक्टिस करने के लिए चलता है, सब कुछ भी चलता है. तो एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज टुमारो.